Green is the prime color of the world and that from which its loveliness arises. तो आज मैं आपको जो अपार्टमेंट्स दिखाने वाली हूँ वो कंप्लीट यूनिट्स आपके पार्क फेसिंग रहने वाले हैं एंड वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। चैनल ट्राइसिटी प्रॉपर्टी गुरु, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त एंकर तरन्नुम। तो आज मैं आपको लेकर आई हूं ओरा गजानिया में, जो लोकेटेड है आपका जरकपुर में ऑन हाईलैंड मार्ग रोड। लाइक 300 मीटर अवे है आपका प्रोजेक्ट हाईवे से, तो आपको कनेक्टिविटी का भी यहां पे कोई इशू नहीं आने वाला है। सारी चीज़ें, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट जोन्स, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नियर बाय में मिल जाएंगी। तो आज ओरा गजानिया में मैं आपको टूर करवाने वाली हूँ एक 3+1 BHK सैंपल अपार्टमेंट का, जो रहेगा इन द साइज ऑफ 2190 square feet। बट उससे पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है ओरा गजानिया, वो कम्प्लीट 3.25 एकड़ का टाउनशिप है, जो फर्दर डिवाइडेड रहेगा 5 towers के अंदर। अगर इन्वेंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 BHK एंड 3+1 BHK अवेलेबल रहे, जो आपका आ जाता है S+14 कंसेप्ट के साथ। एक फ्लोर पे आपके 2 apartments रहेंगे। एंड अगर हम पार्किंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 type की पार्किंग मिल जाती है, आपकी स्टिल्ट, सरफेस एंड आपकी बेसमेंट पार्किंग। तो आपको यहाँ पे पार्किंग का भी कोई इशू नहीं होने वाला है। तो इसके बाद बात करते हैं एमिनिटीज़ के बारे में। तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर 7,000 square feet का क्लब हाउस मिल जाता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एमिनिटीज़ आ जाएंगी, लाइक योर पार्टी हॉल, योर बैंक्वेट हॉल, स्विमिंग पूल, आपका मूवी थिएटर, योगा रूम, टेबल टेनिस रूम, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड इसके अलावा प्रोजेक्ट के अंदर स्पोर्ट्स के लिए भी डिफरेंट स्पेसेस बनाए गए हैं, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट आ जाएगा, बैडमिंटन कोर्ट आ जाएगा, स्केटिंग रिंग आ जाएगा, किड्स के लिए जो प्ले एरिया रहेगा वो आपका डिफरेंट सेगमेंट में आ जाएगा। तो लाइक काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे मिलने वाली हैं। सो एज आई सेड कि आपका 3+1 BHK अपार्टमेंट है इन द साइज ऑफ 2190 square feet। तो यहाँ आ जाएगा हमारा +1 room, जो कि आप इसको एज अ सर्वेंट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, या आपका विद वॉशरूम रहने वाला है, या फिर अगर आप चाहेंगे तो आप इसको होम स्टूडियो या फिर होम ऑफिस भी बना सकते हैं। आइए एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो ये रहेगा आपका +1 room, यहाँ आ जाएगा इसका अटैच वॉशरूम। एंड वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, जितनी भी फिटिंग्स आ जाएंगी वॉशरूम में वो सारी जैगुआर की फिटिंग्स रहने वाली हैं। एंड आपका जो सर्वेंट रूम है, इसका डायरेक्ट एक्सेस आपके किचन के साथ रहेगा, जिससे आपके प्राइवेसी में कोई इशू नहीं आएगा अगर आपके घर में सर्वेंट रहने वाला है। सो आफ्टर दिस आइए चलते हैं हमारे अपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ है हमारा अपार्टमेंट। स्टार्टिंग में ही आपको ये ब्यूटीफुल सा डोर मिल जाता है, जिसको ओपन करके आप एंटर कर सकते हैं अपने अपार्टमेंट के अंदर। तो एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आपका फॉयर एरिया, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड एज यू मूव फॉरवर्ड इस तरफ अगर आप स्पेस देखेंगे तो इन्होंने, सैंपल अपार्टमेंट ने इसको एज अ बार यूटिलाइज किया है। अगर आप चाहेंगे आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहेंगे आपको बार फ्रंट में नहीं बनाना है, आपको चेंज करना है, तो आप और भी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप सामने वाली वॉल पे यहाँ पे छोटा सा पूजा स्पेस भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे आ जाएगा हमारा ड्रॉइंग स्पेस, जो रहेगा इन द साइज ऑफ 11x17। आप स्पेस देख लीजिए एक बार, आपका यहाँ पे सोफ़ा सेट करने के बाद भी हमारे पास वहाँ पे स्पेस बच जाता है। एंड यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है कि आप मूव कर सकते हैं इजीली। पीछे वॉल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रहेगा आपका एसी का प्रोविज़न, जहाँ पे आप अपना एसी प्लेस कर सकते हैं। एंड इस तरफ आ जाएगा स्पेस आपके LED के लिए। लाइक इस घर में ना आपको हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस हम बना के देंगे, जहाँ पे आप अपना जो सारा सेटअप है वो घर का इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका LED, जहाँ पे आप अपना LED इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके ड्राइंग एरिया के साथ कनेक्टेड बालकनी भी आ जाएगी यहाँ पे। तो आइए चलते हैं बालकनी में।
सो ये रहने वाली आपकी 6 feet वाइड बैल्कनी, जहाँ पे आप रेलिंग भी देख सकते हैं, काफी अच्छी हाइट के साथ मिल रहा है आपको। इस बालकनी से आपको सामने पूरा पार्क का व्यू मिलने वाला है, क्योंकि एज आई सेड कि आपके जो सारे अपार्टमेंट हैं वो पार्क फेसिंग यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। सो आफ्टर आवर ड्राइंग एरिया हियर कम्स आवर डाइनिंग स्पेस व्हिच कम्स इन द साइज ऑफ 9x10। सो आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल देख सकते हैं व्हिच इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। स्पेस आप देख लीजिए, मेरे पास काफी स्पेस है मूव करने का, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इतना बड़ा डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे प्लेस करेंगे। पीछे की वॉल अगर आप देखेंगे तो इस पे ग्लास का वर्क करके काफ़ी अच्छा वॉल यहाँ पे इन्होंने बनाया है। आप यहाँ से आइडियाज़ भी ले सकते हैं अपनी वॉल्स को और भी ज़्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए। ऊपर लाइटिंग देख सकते हैं आप, डाइनिंग टेबल के ठीक ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छा एम्बियंस क्रिएट किया है विद दिस ब्यूटीफुल लाइट, तो आप यहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं। सो ये था हमारा डाइनिंग एरिया, इसी के साथ कनेक्टेड यहाँ पर आ जाएगा हमारा किचन। आइए, सो दिस इज आवर फुली मॉड्यूलर किचन इन द साइज ऑफ 12x8। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले आपके रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस। कितना बड़ा फ्रिज आपका यहाँ पे आ जाएगा आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, इतना ज्यादा स्पेस आपका यहाँ पे रहने वाला है। कमिंग टू दिस साइड आपके अपर कैबिनेट्स आप देख सकते हैं विद ग्लास डोर आपको मिल रहे हैं, ये आपके एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रेनाइट का कुकिंग काउंटर, जहाँ पे आप इस तरीके से अपना हॉब प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा स्पेस आपकी चिमनी के लिए, एंड यहाँ पे भी ऊपर आप सारे कैबिनेट्स देख सकते हैं। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे गाइस ये छोटा सा, क्योंकि ये सैंपल अपार्टमेंट है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं आपको अपने घर में आप कुछ अलग क्या कर सकते हैं। तो आप भी ऐसा एक छोटा सा मिनी बार अपने किचन में बना सकते हैं अगर आप चाहें तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। टॉकिंग अबाउट लोअर कैबिनेट्स, तो ये आपके सारे सॉफ्ट क्लोजर के साथ आ जाएंगे, एंड डिफरेंट साइज़ में आपको यहाँ पे कैबिनेट्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप ये थोड़ा बड़ा साइज़ का देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका थोड़ा छोटा आ जाएगा। आपके जितना भी सामान होगा, जितना भी स्टफ होगा आपका, वो सारा इजीली इन कैबिनेट्स में स्टोर हो जाएगा। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगा आपका वेट सेक्शन, जहाँ पे आपको ड्यूल सिंक मिल जाता है विद दिस मूविंग फॉसेट। ऊपर आप यहाँ पे भी कैबिनेट्स देख सकते हैं, आपके यूटेंसिल्स वगैरह आप वॉश करके यहाँ पे प्रॉपरली रख सकते हैं उनको। एंड यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन आपके गीजर के लिए एंड आपके आरओ के लिए। सो ये था हमारा किचन। किचन के साथ अटैच आपकी बैल्कनी भी आ जाएगी, आपका यूटिलिटी एरिया। लेट्स गो। सो ये आ जाती है आपकी बैल्कनी, एल शेप में बैल्कनी आ जाती है आपकी। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आपके सर्वेन बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी, किचन के साथ कनेक्टेड रहेगी, एंड आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी ये कनेक्टेड रहेगी। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आपको यूटिलिटी के लिए पोर्शन मिल जाता है, जैसे आप ये वॉशिंग मशीन यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यूटिलिटी के पर्पस के लिए भी इस बैल्कनी को कम्प्लीट यूज कर सकते हैं। टैप यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइडेड रहेगा। सो ये था आपका किचन। अब हम फाइनली चेकआउट कर चुके हैं अपने घर का आउटर पोर्शन, अब चलेंगे इनर पोर्शन में, जो आ जाएंगे आपके बेडरूम्स। एंड यहाँ पे आपको बेडरूम बिल्कुल एक सेपरेट पोर्शन में आ जाएंगे, जिसके लिए आप यहाँ पे ये पैसेज देख सकते हैं। यहाँ पे आपके तीनों बेडरूम्स आ जाएंगे। सो हियर कम्स आवर फर्स्ट वन। सो आपके इस रूम का साइज रहेगा 14x11 अप्रॉक्सीमेटली। साइज देख लीजिए, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि सैंपल अपार्टमेंट इसलिए बनाया जाता है कि आपको स्पेस का आइडिया हो जाए, क्योंकि सैंपल अपार्टमेंट में पूरा जो फर्नीचर होता है वो ऑलरेडी सेटअप्ड होता है, तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाता है कि अगर आप अपने रूम में, अपने घर में फर्नीचर ऐड करेंगे तो वहाँ पे कितना स्पेस आपके लिए बच जाएगा, जो आपके लिए फ्री स्पेस होगा। तो यहाँ पे आपका बेड आ जाएगा कंप्लीट। इस तरफ मेरे पास मूव करने के लिए काफ़ी स्पेस बच रहा है, इस साइड भी एंड उस साइड भी आप स्पेस देख सकते हैं। तो आपका ये जो रूम है काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाता है आपकी LED के लिए स्पेस। इस वॉल पे आप अपना LED प्लेस कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट का मज़ा ले सकते हैं। अगर आप पीछे वाली वॉल जो है वो अच्छे से देखेंगे ना, काफ़ी अच्छा वॉल यहाँ पे इन्होंने बना रखा है इसमें टेक्सचर वगैरह ऐड करके, तो आप यहाँ से आइडियाज़ भी ले सकते हैं अपने रूम्स को और भी ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए। एंड अगर आप भी अपना नया घर सेटअप कर रहे हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप नया क्या कर सकते हैं अपने घर में। इस रूम के साथ भी आपकी कनेक्टेड बालकनी आ जाएगी, जो मैंने आपको किचन से दिखाई थी, एंड इस रूम के साथ आपका कनेक्टेड वॉशरूम आ जाएगा, जिसमें स्टार्टिंग में पहले यहाँ पे आ जाएंगे आपके कबर्ड्स, जो आपको डिफरेंट लेआउट के साथ मिल जाएंगे यहाँ पे।
तो आप ये देख सकते हैं। एंड ये कबर्ड्स आपके एज इट इज आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ आ जाएगा आपका कंप्लीट वॉशरूम। इसमें कंप्लीट जितनी भी आपकी सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी वो सारी जैगुआर की रहने वाली हैं। एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ग्लास पार्टीशन करके आपका बाथिंग सेक्शन एंड आपके अदर पोर्शन को अलग कर रखा है, तो आप यहाँ से आइडियाज भी ले सकते हैं। एंड विंडो भी प्रोवाइडेड है यहाँ पे फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम में, जो इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा। सो इस रूम का साइज रहेगा आपका 13x11 अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ से मिलने वाला है आपको एक सेकेंड ओपिनियन, क्योंकि ये रूम आपका बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है, वो रूम आपका बिल्कुल डिफरेंट था। तो यहाँ से आपको एक डिफरेंट आइडिया मिलने वाला है अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। अगर आपको भी थोड़े लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं, पीसफुल कलर अच्छे लगते हैं, तो आप यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके काफ़ी लाइट एंड पीसफुल कलर यहाँ पे इन्होंने यूज़ करके रखे हैं। पीछे का वॉल अगर आप देखेंगे वो एक डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आ जाता है। यहाँ पे आपका कंप्लीट वॉलपेपर यूज़ किया गया है, यहाँ पे आपका टेक्सचर ऐड किया गया है वॉल में, इनर लाइटिंग आ जाएगी प्रॉपर। उस साइड अगर आप देखेंगे तो उस साइड आपका फुल वॉल रखा गया है थोड़ा सा। तो मतलब ये एक डिफरेंट आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आप अपने रूम में क्या अलग कर सकते हैं। एंड इस साइड इस रूम में रहेंगे आपके कबर्ड, जो आपको यहाँ पे भी एज इट इज मिलने वाले हैं। सो आप ये देख सकते हैं काफी अच्छी हाइट के साथ एंड वॉल माउंटेड कबर्ड्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। लाइक इनका फायदा हो जाता है आपको कि एक तो लुक खराब नहीं होता आपके रूम का, एंड दूसरा आपके रूम का जो स्पेस है वो भी बच जाता है काफी। सो यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल रहा है, लाइक इजीली आपका पूरा स्टफ इनमें आ जाएगा। एंड इस रूम के साथ भी अटैच आपकी बालकनी आ जाएगी, जो कि आपकी रनिंग बालकनी है, मैं आपको मास्टर बेडरूम से दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे रहेगा आपके एसी के लिए प्रोविजन। आइए चलते हैं। सो सेकेंड रूम के बिल्कुल यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम, जिसको आप इस रूम से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो भी इस वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके किचन ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका फ्लोरिंग पूरा एंटीस्केट आ जाएगा, वॉल पे कंप्लीट आप ऊपर तक टाइलिंग देख सकते हैं, प्रॉपर लाइटिंग हो रखी है सारे। यहाँ पे भी आपका पार्टीशन, आप आइडियाज़ ले सकते हैं यहाँ से, अपने दोनों सेक्शन को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे भी जितनी आपकी फिटिंग्स रहेंगी वो सारी आपकी जैगुआर की फिटिंग आ जाएगी, लाइक काफ़ी स्पेशियस आपको ये वॉशरूम यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपकी गीजर के लिए प्रोविजन, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी प्रोवाइडेड रहेगा यहाँ पे। सो ये था आपका कॉमन वॉशरूम। अब हम चलेंगे डायरेक्ट हमारे मास्टर बेडरूम में, जो आ जाएगा आपका इस साइड इन द साइज ऑफ 11x15। इसमें भी आप स्पेस देख लीजिए पहले, ब्यूटीफुल रूम यहाँ पे क्रिएट किया गया है आपका। हर चीज आप देखिए, लाइक हर चीज परफेक्ट मिलेगी आपको इस बेडरूम में। कलर्स आप देख लीजिए, लाइटिंग देख लीजिए, फ्लोरिंग देख लीजिए, लाइक एकदम परफेक्ट सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये भी आपको एक अच्छी ऑप्शन मिल जाती है, अच्छी चॉइस हो जाती है आपके लिए, अगर आप आइडियाज लेना चाहते हैं अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। एंड अगर आप ये अपार्टमेंट बाय करते हैं तो आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं कि आपको इस रूम को ऐसे ही डेकोरेट करना है, या फिर आप इससे भी अच्छा कुछ कर सकते हैं एंड इस रूम को और भी ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। एंड आपके मास्टर बेडरूम में यहाँ पे आ जाएगा एसी का प्रोविजन, जहाँ पे आप अपना एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड गाइस, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको यहाँ पे बालकनी ना मिल रही हो, तो आइए चलते हैं बालकनी में। सो ये आ जाएगी हमारी रनिंग बालकनी, जो आपके मास्टर बेडरूम एंड आपके सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी। आपका ये जो घर है ये बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट है, तो आपको दोनों साइड घर की बालकनीज मिल रही हैं, तो आपको लाइट एंड वेंटिलेशन का यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लाइक स्पेस देख लीजिए आप इस बालकनी का, कितना ज्यादा स्पेस है, 6 feet वाइड आपकी ये बालकनी रहने वाली है, जिसमें आप देखेंगे इन्होंने यहाँ पे टेबल एंड चेयर लगा के रखा है ऑलरेडी, आप यहाँ से भी आइडियाज ले सकते हैं। एंड ये पीछे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये मुझे काफी अच्छा लगा, डिफरेंट आपके प्लांट्स आ जाएंगे इसमें, तो आप ऐसा भी अपनी बालकनी में कुछ कर सकते हैं और भी ज्यादा ग्रीनरी को एनहांस करने के लिए, क्योंकि ग्रीनरी चाहे आप जितनी मर्जी घर में लगा लें वो अच्छी ही लगती है, कभी भी बुरी नहीं लगती। तो ये थी आपकी बालकनी, जो आपके बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी। अब हम और भी ज़्यादा चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रंट वॉल, जहाँ पे आप अपना LED प्लेस कर सकते हैं, वहाँ पे आपका बेड आ जाएगा, सामने आ जाएगा बिल्कुल आपका TV, आपको वहाँ पे सोना है एंड मूवीज़ इंजॉय करनी है, एंटरटेनमेंट का मज़ा लेना है, तो आप यहाँ पे अपना LED प्लेस कर सकते हैं।
एंड यहाँ पे आ जाएगा स्पेस, लाइक आप देख ही सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा ड्रेसिंग मिरर आ जाएगा, आप यहाँ पे ये टेबल भी देख सकते हैं, तो आप ऐसा भी कुछ अपने रूम में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सजना संवरना सबको अच्छा लगता है, और अगर सजना संवरना इतनी अच्छी जगह पे हो तो क्या ही मजा है, और इतनी अच्छी लाइटिंग हो तब तो मेकअप आपका कमाल का होने वाला है। एंड इसी के साथ एडजॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा कबर्ड एरिया एंड हमारा वॉशरूम स्पेस। तो पहले आ जाएंगे आपके कबर्ड, जिनमें आप स्पेस देख लीजिए, पहले डिफरेंट लेआउट के साथ आ जाते हैं आपके। एंड इसमें आपकी ऑटोमेशन लाइट्स भी रहने वाली हैं, जिसके आप भी देख ही सकते हैं। एंड यहां है हमारा वॉशरूम विद आपकी सारी एंटीस्किड फ्लोरिंग आ जाएगी, वॉल पे पूरा टाइलिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी फिटिंग्स आ जाएंगी आपकी सारी जैगवार की फिटिंग रहेगी। यहाँ पे आ जाएगा आपके गीजर के लिए प्रोविज़न, आपके एग्जॉस्ट का प्रोविज़न वहाँ रहेगा, एंड आप देख सकते हैं विंडो भी प्रोवाइडेड है फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन। सो ये था हमारा थर्ड बेडरूम, हमारा मास्टर बेडरूम। इसी के साथ कंप्लीट होता है टूर हमारे आज के सैंपल अपार्टमेंट का, जो था इन दिस साइज ऑफ 2190 स्क्वायर फीट। लास्ट में एक क्विक कंक्लूजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड रहेगा आपका जीरकपुर में ऑन हाईलैंड मार्ग रोड, कनेक्टेड रहेगा पटियाला चंडीगढ़ हाईवे के साथ, तो आपको कनेक्टिविटी का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होने वाला है। अपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, आपको पूरा सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलने वाला है, जिसमें हैटीक की आपकी कंप्लीट मॉड्यूलर किचन आ जाएगी, वॉशरूम आपके कंप्लीट रहेंगे विद जैगवार फिटिंग, फ्लोरिंग आपकी सारी एशियन टाइल्स की आ जाएगी, 4x2 साइज रहेगा इसका, एंड आपके सारे ही रूम्स में कबर्ड्स आ जाएंगे। तो गाइज ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट ऑरा गजानिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ एंड ढूंढती हूँ आपके लिए कोई और परफेक्ट होम, ताकि मैं आपके लिए एक और वीडियो ला सकूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।